I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain in mind, me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round. Alright guys, so good news is कि मेरा वीज़ा आ गया. कल ही आ गया था जब मैंने वीडियो अपलोड करी, उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया था. सो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और बहुत टेंशन में बीता मेरा जो पिछला हफ्ता गया है पूरा, बहुत ज़्यादा टेंशन में बीता. बट फाइनली एक दिन पहले मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया एंड नाउ आई एम एबल टू गो टू सिंगापुर एंड कम्पीट इन द कॉम्पिटिशन दैट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस होल ईयर. आई नो सभी लोगों के विशेज़ मेरे साथ हैं और मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस है. मेरी प्रेप अच्छी हुई है, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे. बस राइट नाउ आई एम रियली टायर्ड क्योंकि एकदम से एक दिन में सारी पैकिंग वैकिंग करनी पड़ी मेरे को. बट फाइनली आई एम डन, सब कुछ अच्छे से सामान वामान ले लिया है, पैक कर लिया है. तो अभी मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट मेट्रो से आके. बीच रास्ते में अपनी मील लूँगा और आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. यो, वी आर एट द एयरपोर्ट एंड दिस इज, आई गेस दिस इज टर्मिनल 2 एंड वी आर गोइंग टू टर्मिनल 3. अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है बट हम पहुँच गए हैं टर्मिनल 3. अब चेक इन का टाइम आ गया है, वो दिखाऊँगा. ऑलराइट गाइस, सो आई एम डन विद माई चेक इन्स एंड दिस Right here is my meal. This is chicken and potato and some curd. और अब बस सिक्योरिटी चेक इन बाकी रह गया है, उसके बाद हमारी फ़्लाइट है. अभी बजे हैं 9, फ्लाइट है हमारी 10:30 की. तो जो मेन काम था वो ख़त्म हो गया है और अब आसान काम बाकी है जो कि है खाना. उसके बाद फ़्लाइट में बैठना है, फिर हम जाएंगे. इन्होंने ऑलमोस्ट मुझे डरा दिया था, इन्होंने मेरे कोविड के सर्टिफिकेट पे डेट गलत पढ़ ली थी और मुझे जाने नहीं दे रहे थे विदाउट माई RT-PCR. सो मैंने उनको डेट को जब चेक करवाई, थोड़ी देर तक मुझे खड़ा रखा, मुझे को टेंशन होती रही कि पता नहीं क्या हुआ है. और फिर जब मैंने डेट फाइनली चेक करवाई तो जाके मेरे को उन्होंने बोर्डिंग पास मेरा दिया और फिर मैं आगे बढ़ा एंड इट वॉज़ लाइक इट वॉज़ क्रेजी. एनी वेज मैं ऐश से मिल लिया हूँ. ऐश अपनी मील्स वगैरह सब खा चुका था तो वो भी चले गए हैं वहाँ पर चेक इन करने, जो सिक्योरिटी चेक होता है उसके लिए. और मैं अपनी मील्स खाने के बाद वहाँ जाऊँगा बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरे को वहाँ से वापस भेज दें कि हम मील्स अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं. सो हियर इज़ माय मील एंड आई एम गोना एंजॉय इट और आगे की जर्नी दिखाऊँगा. थोड़ी देर में फ्लाइट है. सी यू गाइस. ऑलराइट गाइस, आई एम बैक और चेक इन हो गया है पूरा, सिक्योरिटी चेक भी हो गया पूरा. सो बेसिकली नाउ आई एम रेडी टू बोर्ड माई प्लेन टू सिंगापुर. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ट्रिप फॉर मी बिकॉज हमारी फैमिली से, मेरी फैमिली से फर्स्ट मैं ही जा रहा हूँ पहली बार कहीं बाहर. और मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ बाहर और वो भी एक अपने पैशन को परस्यू करने हैं, एक बड़े लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लेने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने, सबसे बड़ी बात. सो इट्स अ फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ और मे बी एवर, आई डोंट नो, बट इट्स रियली गुड. एंड हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. मुझे इस एयरपोर्ट का ये पार्ट बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई बट इट लुक्स सो फकिंग ब्यूटीफुल मैन. बट एनी वेज, मेरी फ़्लाइट की डिटेल्स यहाँ पे हैं, इधर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है और मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हमारी फ़्लाइट जो है वो है दिल्ली से पुणे, दैट इज़ देयर UK 935. हम जाएंगे पुणे और मेरा द्वार है 62. बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, 62 गेट नंबर है. पड़ेगा दूर भाई, ये दूर होगा. भाई तो यार यहाँ की शॉप्स देखो ज़रा एक बार, ये राडो का शोरूम है, बाहर देखने को नहीं मिलेगा ये सब.
ठीक है, इतना इट्स लाइक कहाँ आ गए हम लोग यार हैं, और यहाँ से लेना मत कभी कुछ है आंटी, अनलेस तुम बहुत ज़्यादा ही रईस हो ना ये लाइक सीरियसली पोर्श डिज़ाइन, साउथ दिल्ली में भी शायद शोरूम नहीं है इसका पोर्श डिज़ाइन का, बट अच्छा है, अगर आप लोगों को भी देखना हो कुछ कभी किसी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह ले जाना हो तो गाड़ियाँ भी मिलती हैं यहाँ पे, वो खड़ी हुई टाटा सफारी, और ये मेरा फेवरेट स्टोर है यहाँ पे, दिस इज़ हैमलीज, दिस इज़ अ टॉय स्टोर, ये मेरा फेवरेट स्टोर है T3 पे, और सेंटा के साथ सेल्फी ले लें, यो ब्रो, एनी हू, सो आई गेस ऐश का अब तक चेक सिक्योरिटी चेक हुआ नहीं है तो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, बट ही विल बी हियर सून, और ये मेरा व्लॉग ऐसे ही चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे भटक रहा हूँ क्योंकि ऐश ने दूसरी जगह से सिक्योरिटी चेक करवाया, मैंने दूसरे गेट से करवाया, और वो अभी उस गेट पे खड़े हैं जहाँ से मैं बहुत आगे आ गया हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं कि उस वाले गेट से एंट्री है, मुझे पता है, मैंने देखा उस पर जो टीवी स्क्रीन मैंने आपको भी दिखाई थी, तो टीवी स्क्रीन पे गेट नंबर 62 लिखा था, 62 बहुत आगे है उस तरफ, मैं जा रहा हूँ उस तरफ क्योंकि ऐश ने बोला कि उनके पास मैसेज आया है कि उनकी फ़्लाइट उनका गेट चेंज हो गया है, अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी फ़्लाइट डिफरेंट है, मैंने पूछा नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ एक बार, फ़न हो गया दोस्तों, फ़न हो गया मैंने बोला था ना फ़्लाइट दूसरी है उनकी, उनकी एक्चुअल में डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू सिंगापुर, डायरेक्ट फ़्लाइट है, मेरी वाली जो है उसमें ब्रेक है बीच में, मैं पुणे में रुकूंगा, तो अभी तक हम दोनों अज्यूम कर रहे थे कि विस्तारा है तो सेम ही है तो सेम फ़्लाइट से ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ओहो सीन हो गया ये तो, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अकेले भी ट्रैवल कर लेंगे, कोई सीन नहीं है, बट शुक्र है मैं ज़्यादा आगे गया नहीं था, तुरंत ही मैंने कॉल किया और कन्फर्म किया तो बोलते कि उनकी तो डायरेक्ट है, इसीलिए उनका गेट नंबर देख रहे हो, ये ओहो मुझे कॉल आ रही है, लग रहा है बोर्डिंग वालों की है, चुके हैं सिंगापुर, मैं फ़्लाइट से उतर चुका हूँ, ये है चांगी एयरपोर्ट, अभी मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने, काफ़ी अच्छा अच्छा सा लग रहा है, बट हालांकि अभी तक हमने यहाँ की ज़मीन पर पैर रखा नहीं है क्योंकि अभी तो मैं एयरपोर्ट में ही हूँ, बाहर निकलूँगा यहाँ से तो पहले सामान ले लेता हूँ, और मेरी सोई सोई सी शक्ल देख रहे हो, सो नहीं पाया हूँ रात को ठीक से फ़्लाइट में, इतनी अच्छी कोई खास नींद नहीं आई, बट ठीक था एक्सपीरियंस, अच्छा था फ़्लाइट अच्छी थी, तो चलो सबसे पहले तो अपना बैग लेके आते हैं, कहीं इधर उधर ना हो जाए, ढूंढना पड़ेगा पता नहीं कहाँ पे है, अभी मन कर रहा है यहाँ पे जैन जैन करता हुआ घूमूंगा, इधर का लोकल क्राउड काफी दिख रहा है, हाँ तो भाई लोग अपना फाइनल जो स्टेप था वो भी हो गया है, और एक वही SG अराइवल कार्ड होता है सिंगापुर अराइवल कार्ड, तो वो एक लास्ट स्टेप था यहाँ पे इमिग्रेशन से पहले,
तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया फटाफट, काफ़ी आसान था और अच्छा है कि खुद से ही मतलब इजी बना रखा है इस प्रोसेस को, कि खुद से ही कोई भी कर ले, किसी अलग से ऑफिशियल की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपना बैग ले लिया है मैंने और अब हम थोड़ा यहाँ पे घूम सकते हैं। ये है चांगी एयरपोर्ट, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड ये कभी कभी टॉप पे भी रहा है, जैसे अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रहता है टॉप पे, वैसे ये भी रहा है। तो ये एयरपोर्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ऐसा मैंने YouTube पे देखा था। यहाँ पे आने से पहले मैंने YouTube पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी यहाँ पे आने से पहले कि कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊँगा और ये होगा एंड पार्ट वन का। होटल जाके भी दिखाऊँगा तब हो जाएगा एंड पार्ट वन का इस ब्लॉग का। तो इसमें बेसिकली मेरी जर्नी का स्टार्ट था, फिर आएगा पार्ट टू जब मैं जाऊँगा मसल महीने के रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर थोड़ा बहुत हम साइट सीइंग करेंगे हल्के फुल्के, और फिर आएगा पार्ट थ्री जो कि है कल, दैट इज़ शो डे। ठीक है, तो लगे रहना मेरे साथ और देखना, इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना यार। ठीक है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ अपना YouTube और ओवरऑल सोशल मीडिया, नॉट फॉर मनी और एनीथिंग, बट मेनली बिकॉज आप लोगों तक एक अच्छा एक्सपीरियंस पहुँचाना चाहता हूँ, एक बॉडी बिल्डर स्लैश स्टूडेंट और स्लैश बिजनेसमैन और व्हाटएवर यू वांट टू से, क्योंकि अभी एज सच मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, तो उसकी जो मुझे पढ़ाई करनी होती है उसमें मैं बॉडी बिल्डिंग कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कॉलेज में या स्कूल में हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं या फिर खर्चा नहीं उठा पाते हैं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव गेम, नो डाउट। सो वही एक इनसाइट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं यूट्यूब पे रहता हूँ, और अब यहाँ पे आ गए हैं चैम्पियनशिप जीतने के लिए, तो आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या क्या हो सकता है अगर आप अपने स्पोर्ट के साथ बस डेडिकेटेड रहें और टाइम देते रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो क्या क्या अचीवेबल है। फ़िलहाल मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, देखते हैं कुछ डाइट रिलेटेड खाने के लिए और थोड़ा बहुत यहाँ घूम के फिर मैं निकलूँगा बाहर यहाँ से। ओके सो गाइस, मैं हूँ यहाँ पे जो कि देखने में कुछ कुछ अपने मेट्रो स्टेशन जैसा लग रहा होगा इंडिया के, दिल्ली के, तो यहाँ पे इसको MRT बोलते हैं, और अगर आपको मेट्रो यूज़ करनी आती है तो समझ लो आपका काम बन गया, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है मेट्रो की तरह। इसमें ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन भी है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। डाउनटाउन लाइन जैसे ब्लू है अभी जिस पे मैं आया, और कोई ग्रीन लाइन है जिस पे मैं पहले था, जिस पे एयरपोर्ट था, ईस्ट वेस्ट लाइन उसका नाम है, तो ऐसे करके इन लाइन्स के नाम है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, और एक ऐप है मूव इट करके, तो मूव इट ये सारा डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ बता देता है, शॉर्टेस्ट रूट बताएगा आपको कि बस से जाना है कि मेट्रो से जाना है। तो मैं सोचा आपको बता दूं, एक यूज़फुल एडवाइस है, ये काम आएगी अगर कोई आता है कल को सिंगापुर, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनफैक्ट बहुत ईजी है ट्रैवल करना, और बिल्कुल अंदर से मेट्रो जैसा है ये, तो ट्राई करके देखना भाई। देखो ये इनकी मेट्रो है MRT, बिल्कुल अपनी मेट्रो जैसी है, सेम ऐसी गेट खुलते हैं सब अंदर जाएंगे, काफ़ी सही है सिस्टम। सो गाइस, मैं आ गया हूँ होटल और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। रिसेप्शन पे चेक इन बहुत इजी था और मेरा रूम नंबर है 15। देखते हैं कहाँ पे है। इधर ही है। ओके सो आई वाज सेइंग कि चेक इन काफ़ी इजी था, ओके सो मैं आ गया होटल और चेक इन काफ़ी इजी था, बस आपका पासपोर्ट देखा उन्होंने, और जो हमने वहाँ पे एयरपोर्ट पे
सिंगापुर अराइवल कार्ड एक बनाया था ऑन द स्पॉट, वो चेक किया बस, और मेरे को एक रूम दिया है इन्होंने, प्री बुक था, बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसा रूम है, तो अब मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ। सो लेट्स सी, आई होप डिसेंट रूम हो, अच्छा रूम हो, बिकॉज होटल की रेटिंग अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। मिस तो नहीं कर दिया ना, मैं नहीं मिस नहीं किया आगे। ओके सो रूम तो यार छोटा ही है बिकॉज सिंगल पर्सन के लिए है, बट आई गेस डिसेंट होगा। हाँ सही है, अच्छा खासा बड़ा बेड है, टीवी है, तिजोरी है, इन केस कोई मेरा सामान चुराना चाहेगा तो, व्यू है, और पता है बाहर बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की सी। क्या प्यारा मौसम है यहाँ पे, पता है बस हल्की सी ह्यूमिडिटी है, अपने इंडिया में अभी ठंड हो रही है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो रही है, थोड़ा थोड़ा मुंबई वाला वेदर है, बस थोड़ी ठंड कम कर दो। तो ये है मेरा छोटा सा रूम, मेरा वॉशरूम डिसेंट है, ठीक है, काम चल जाएगा, दो दिन तो रहना है। सो ये है रूम, आ गया हूँ मैं, मास्क वगैरह यहाँ पे लगाना यार ज़रूरी है, इंडिया में कब से नहीं लगाया मास्क हमने, और अब मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करूँगा, पानी पीऊँगा, और उसके बाद मैं खाने के लिए अपनी मील्स के लिए ढूँढूँगा कि कहाँ पे मुझे मिल सकती है, बिकॉज मैंने बताया था कि मैं लाया नहीं अपने साथ, सिर्फ पीनट बटर और कार्ब सोर्सेज, थोड़े से जैसे राइस केक वगैरह, बस यही लेके आया हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे और यहाँ से शॉपिंग करनी ही पड़ेगी, पर ठीक है देखते हैं, बेटर यही रहता है यहाँ से ले लो तो, क्योंकि कौन फंसे कस्टम के चक्कर में। सो एनीवेज गाइस, तो अपने इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मैंने सिर्फ अपनी जर्नी शेयर की आपके साथ, ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा जो जो मैं करता जा रहा था, थोड़ी थोड़ी टिप्स शेयर करी, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम बाहर जाते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं सब कुछ सच्ची सच्ची दिखा रहा था, और मेरे साथ जो बहुत बड़ा फकअप हुआ था, आई डोंट नो, मैंने मेरे को सीरियसली अभी याद नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया, बट नहीं बताया तो बता देता हूँ, और अगर बता दिया तो दोबारा बता देता हूँ कि मैं फ़्लाइट के लिए अपनी लेट हो गया था, जो मेरी पुणे से सिंगापुर वाली फ़्लाइट थी, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था, और बेसिकली मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना था जो मेरा डिपार्चर गेट था, और मैं इस पॉइंट की तरफ जाया जा रहा था, तो यहाँ से मैं करीब 15 मिनट की दूरी पर पहुंच चुका था जब उनका मुझे कॉल आया कि आपकी फ़्लाइट निकलने वाली है, बोर्डिंग ख़त्म हो रही है ऑलमोस्ट, और आप आ जाएं। मैं यहाँ से स्प्रिंट लगाता हुआ दौड़ते 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 पहुँचा हूँ उधर, 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में कवर किया फटाफट, तो ये बहुत बड़ा फकअप हो गया था, और मज़ा भी आया, यूजुअली होता है मेरे साथ ऐसा, पर ठीक है कोई बात नहीं, काम चल गया अपना, छूटी नहीं ना फ्लाइट, मेन बात वो थी, तो बस ये था। और वैसे मुझे ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं हुई, फ़्लाइट बहुत अच्छी थी, मील्स अच्छी मिली फ़्लाइट के अंदर, हेल्दी मील्स थी, तो मतलब मेरी डाइट के हिसाब से थी, अपेरेंटली हल्का फुल्का सोडियम ज़्यादा था, बट इतना चल जाता, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो अब मैं फाइनली अपने होटल रूम आ चुका हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्योंकि रात को मैंने बताया मैं सो नहीं पाया था ठीक से, तो और उसके बाद मैं जाऊँगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो होगा मेरा पार्ट 2, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा सिंगापुर दर्शन कराऊँगा, अभी तो मैंने सिर्फ आपकी इंडिया से लेके सिंगापुर आने तक की जर्नी शेयर करी अपनी, अब मैं आपको थोड़ा सा सिंगापुर दर्शन कराऊँगा और दिखाऊँगा कि मसलमेनिया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, दूसरे एथलीट्स भी आएंगे, हम भी थोड़े दोस्त वोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे बाहर बाहर देश के एथलीट्स आते हैं, तो अपने अब ऐश से भी मिलना है, आई डोंट नो वो कहाँ है, होटल पहुँच गए होंगे वैसे डेफिनेटली, पर ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, आएगी पक्का आएगी, जल्दी ही आएगी, और मैं जल्दी जल्दी डालूंगा ये 3 वीडियोस, ठीक है, तो सेकंड वीडियो में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा सिंगापुर दर्शन कराऊंगा आपको, और जो थर्ड वीडियो होगी वो होगी मेरी शो डे की, और फिर मेरी जो पोस्ट शो पोस्ट विन मील होगी वो दिखाऊंगा।